स्कूल मैनेजमेंट कुछ ऐसा तैयार करता है, सरकार कुछ ऐसी दिशा निर्देश देती है, पेरेंट्स की तरफ से ऐसे सपोर्ट आता है, तो इस पर विचार हो। वरना तो जो तीसरी वेव की बात चल रही है, उस वेव का हमें पहले सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद हमें इस तरफ जाना चाहिए। हम लोग पहले से ही इस बात को कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे चीजें मार्केट में चल रही हैं, जैसी चीजें दूसरी दिशा में चल रही हैं, हमें जीवनचर्या में आने के लिए कोई ना कोई पहल भी करनी पड़ेगी। क्योंकि आप बहुत अच्छे ढंग से कह चुके हैं कि सरकार कितना कर रही है कितना नहीं कर रही है, इन सब चीजों को हम ना करके हमें सिर्फ अपने आप ये सोचना होगा कि मुझे अपनी फैमिली की सुरक्षा कैसे करनी है, मुझे अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे करनी है, और उसके बाद उसकी जीवनचर्या को कैसे आगे चलाना है। तो मैं पेरेंट्स की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद हमें कोई दूसरे निर्णय लेने चाहिए। सर गौतम जी ने एक बात यहाँ पर कही कि फीस को लेकर सरकार जल्दबाजी में कि फीस मिल जाए किसी तरीके से और फिर कुछ दिनों बाद फिर लॉकडाउन की स्थिति हो जाएगी, सरकार इसलिए जल्दबाजी कर रही है। देखिए, जहां फीस का क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी स्कूल ऐसा शायद नहीं है कि जिसने फीस के लिए बच्चे को परेशान किया हो, या उसके एग्जामिनेशन ना दिलाए हो, या उसको स्कूल से कहीं उन्होंने उसका नाम हटाया हो। क्योंकि इन 1.5 सालों में स्कूल ने कंधे से कंधा मिलाकर के पेरेंट्स का साथ दिया है, पेरेंट्स कहीं भी इसमें सफर नहीं हुआ है। ये बात मैं जरूर कह सकता हूं कि जैसे पेरेंट्स सफर करते हैं, उनकी नौकरी गई है, उनके स्वास्थ्य की चिंता हुई है, उनके फैमिली मेंबर गए हैं, ये सारी चीजें, टीचर भी एक फैमिली है, स्कूल में जो एम्प्लॉय जा रहे हैं वो भी एक फैमिली मेंबर है, वहां भी इस तरह की प्रॉब्लम आई है। तो हमें सभी को ध्यान में रख करके एक किसी एक समुदाय के ऊपर ना इसका वो दिया जाए, हम सभी इस फाइट को लड़ें और इस फाइट में जितना सहयोग हम सब कर सकते हैं उतना सहयोग हमें करना चाहिए। अपराजिता मैम, जिस तरीके से सतवीर सर ने जो बातें कही उनकी बातों पर मैं आपसे जवाब चाहूंगा। सतवीर सर की बातों को सुन के मुझे तो ये मैंने निष्कर्ष निकाला है वो दो कश्ती पे सवार होके चल रहे हैं। अपनी बात को रखने के बाद एंडिंग वो करते हैं कि बच्चों की सुरक्षा जरूरी है। दूसरा, सतीश सर ने ये जो बोला कि पैंडेमिक में किसी स्कूल ने नहीं किया, सतीश सर मैं आपके स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, बट आप लोगों से अभी मैं कॉल कर रही हूँ, एक कॉल मेरे पास पेरेंट का आ रहा है। यकीन मानिए, इन पेरेंट्स के स्कूल ने लास्ट ईयर फीस बढ़ा दी, जब इन लोगों ने एजुकेशन किया स्कूल ने ये कह के उनके ऊपर डिफेमेशन केस डाल दिया कि स्कूल यहाँ पर रोकना चाहूंगा मैं आपसे। सर ने एक बात कही कि किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला गया। उसी बात पर आ रही हूँ गणेश जी, डिफेमेशन केस भी लगाया, 1.5 साल हो गए इनके बच्चे आज भी स्कूल से बाहर हैं। दूसरी बात सतवीर सर, हमारे पास हजारों केसेस हैं, आपको एग्जांपल दे रही हूँ, महाराजा अग्रसेन स्कूल आपका, उसने 600 बच्चों को निकाल दिया था। ये हम लोगों की फाइट थी पेरेंट्स के साथ मिलकर कि हमने 48 घंटे के अंदर उनके क्लासेस ओपन करवाए। वी हैव मेनी केसेस, हजारों केसेस में आपके साथ बैठ के डिस्कस कर सकती हूँ, केस टू केस डिस्कस कर सकती हूँ, जहां पे स्कूल ने मानवता तो छोड़ दीजिए, हम स्कूल से मानवता की उम्मीद नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ये हो रही है हमारे साथ, जहां पे थोड़ी सी इंसानियत दिखाई होती तो शायद हमारे मन में इतनी प्राइवेट स्कूलों को लेके इतना डर, हमारे साथ सब पेरेंट्स अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं दिमाग में डर है क्योंकि विश्वास नहीं है प्राइवेट स्कूलों में। अल्टीमेटली ये समझ में आता है कि उनको फीस उगाही करनी है बाय हुक और बाय क्रू, पैसा नहीं दे रहे तो क्लास से निकाल दो। उन्होंने ये नहीं सोचा, आज हम ऑनलाइन में मीटिंग कर रहे हैं, आज हमारा ये जो चल रहा है इसमें 100 लोग पार्टिसिपेट करें या 200 लोग पार्टिसिपेट करें, हमारा बिजली का बिल उतना ही आएगा, बट नहीं, स्कूल को चाहिए 40 बच्चे हैं तो पूरी ही फीस आएगी तभी हम करेंगे काम। और ये सेकेंड वेव में जहां पर मेरे पास वो भी केसेस हैं सतवीर सर, जहां पे पेरेंट मेरी फैमिली में हुआ है, वहां बच्चे के दादा की डेथ हो गई, बच्चे के फादर की डेथ हो गई, स्कूल को दोनों के डेथ सर्टिफिकेट देने के बावजूद स्कूल ने ऑनलाइन से निकाल दिया, कहते हम 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं देंगे। अब आप मुझे बताइए वो माँ क्या करे, वो बच्चे की दादी क्या करे, कहाँ से पैसा लाएगी स्कूल को पैसा देने के लिए, और वो भी तब जिन्होंने पास सारा पैसा दे रखा है, ये तो उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने 10 दिन तक वेट नहीं किया। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है आपने अपने स्कूल में बहुत अच्छे काम किए हो, बट हमारे पास, हमारे सामने कोई सिंगल एग्जाम्पल नहीं आया जहां पे स्कूल ने रहमत दिखाते हुए उन बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू किया है। अंत में आपने एक दो पॉइंट्स और बोले थे, मैं ये चाहती हूँ पेरेंट्स की तरफ से, आज दिल्ली सरकार और प्राइवेट स्कूल, क्योंकि आज हम खुलने की बात आएंगे, फिर फरवरी वाला एक और लेटर आ जाएगा पेरेंट्स को
कि आप एफिडेविट साइन कर दो, आप बोलो कि हमारे पास कुछ भी होता है वी आर रिस्पॉन्सिबल। इट्स अ टिपिकल सेंटेंस जो उन लोगों ने एसओपी बना रखा है। तो मैं ये कहती हूँ आज अगर सरकार और प्राइवेट स्कूल कोर्ट में अगर लिखित में एफिडेविट देते हैं कि हम कुछ भी होता है हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, खोल दो स्कूल, हम करते हैं, खोल दो स्कूल। आप लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, ना सरकार लेना चाहती है ना स्कूल लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स ने। और पेरेंट्स से फिर कहते हैं तुम घबराते क्यों। और अंत में मैं कहूंगी जैसे आपने बोला हम भी जानते हैं, मेरे को भी पता है बच्चे के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जैसे हमारे और साथियों ने कहा सर मूड स्विंग्स भी सहन कर लेंगे, आंखें थोड़ी सी खराब हो जाएगी सहन कर लेंगे, बट बच्चे की जान सुरक्षा सबसे ज्यादा हम लोगों के लिए जरूरी है जो यहाँ पर देखना चाहिए। फिर हम कह रहे हैं राजनेताओं के लिए राजनीति और स्कूलों के लिए व्यापार, कृपया बच्चों की जान पे खेल के मत कीजिए, हमारा आपसे हाथ जोड़ के विनती। धन्यवाद सतवीर सर। मैं इस पर आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से मैम का कहना है कि यहाँ पर बच्चों के साथ राजनीति की जा रही है, बच्चों की जो जान के साथ उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, क्या और किस तरीके से तैयारी, कुछ भी नहीं पता फिलहाल की स्थिति हम सबने देखी, क्या कुछ कहेंगे आप इन सवालों पर? देखिए मेरी तरफ से मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि अभी हमारी किसी भी तरह की ऐसी ओपनिंग की ना सरकार की मंशा अभी आ रही है ना स्कूलों की मंशा आ रही है। जहां तक बात आएगी वही फिर वही आएगी कि पेरेंट्स की कंसेंट के बिना कोई भी स्कूल अपने बच्चों को नहीं बुलाएगा, नंबर एक। नंबर दो, कंसेंट अगर जैसे मैम ने मुझे बताया, अपराजिता मैम कहती हैं कि आप अपनी एक लेटर पेरेंट्स को भेजेंगे और उस पेरेंट्स की जिम्मेवारी लगाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैम आपके सामने, और अगर कहेंगे तो मैं उसको भेजूंगा आपके सामने कि दो पेरेंट्स लाइव अपने ड्यूटी करते हैं, उनके बच्चे बुखार में होते हैं। आज नहीं मैं बात कर रहा हूँ, 2019 से पहले की बात कर रहा हूँ। स्कूलों में फर्स्ट एड रूम ही सिर्फ होते हैं और उनका कहना होता है कि सर घर से तो सेफ रहेंगे ना, वहां आराम से लेट जाएंगे। तो जब ये मेंटेलिटी पेरेंट्स की होगी तो आप कैसे कह सकते हैं कि स्कूल में जो बच्चा आएगा वो सेफ रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि सबसे पहला जो टॉपिक है घर से कहां से बच्चा चलेगा पेरेंट्स के पास से? मुझे पता है मेरे बच्चे को कफ हो रहा है, मुझे पता है मेरे बच्चे को कोल्ड हो रहा है, मुझे पता है मेरे बच्चे को फीवर हो रहा है। अगर वो स्कूल आता है तो आप समझिए कि किसकी जिम्मेवारी बनती है। अगर वो स्कूल आया और स्कूल के गेट पर उसकी स्क्रीनिंग हुई और वापस भेजा तो आप समझ सकते हैं कि पेरेंट्स आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स एसोसिएशन के सामने रखेंगे कि स्कूल ने हमारे बच्चे को तैयार हुआ और वापस भेज दिया। ये बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसको लेकर के हमारे पास मेरे पास भी कंप्लेंट आती है इस तरह की कि मेरे गार्ड इस तरह की बात कर रहे हैं, मेरे स्टाफ इस तरह की बात कर रहा है, या जिन लोगों को हमने स्क्रीनिंग कमेटी में लगाया था जब जनवरी में, उनकी बड़ी कंप्लेंट मेरे पास आई। लेकिन जब पेरेंट्स से सामने बात हुई और मैंने पूछा कि सर अगर स्क्रीनिंग मशीन में बच्चे का आपका टेम्परेचर आया तो बताइए कैसे उसे अलाउड करेंगे, उस सिचुएशन को भी अपराजिता मैम आपको देखना चाहिए। दूसरा मैं बताऊं कि जो आपने कहा कि बहुत सारे पेरेंट्स आपको तंग कर रहे हैं, अभी एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। हम लोगों ने पेरेंट्स से मांगा कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो सफर किए, जिनके मदर चले गए, फादर चले गए। आप समझते हैं कि उसमें हमारे पास आए बहुत सारी एप्लीकेशन, लेकिन किसी ने भी हमें ये नहीं बताया, किसी ने हमें कहा सुसाइड कर लिया है, किसी ने कहा कि हम तो इस तरह से चले गए थे घर में, हमने कोरोना टेस्ट नहीं कराया। और जब हमने सारे रिकॉर्ड मांगने के बाद उनसे जब मीटिंग की तो बहुत सारे पेरेंट्स तो वापस ही नहीं आए, और एक पेरेंट्स जो वापस भी आए उनसे जब मैं मिला खुद तो अंदर जब मैं रिकॉर्ड उनके पूरे करा रहा हूं तो बात कुछ और हो रही है, गेट के बाहर जाकर के कुछ और बात हो रही है। अच्छा था कि आप जैसे पेरेंट्स उस मीटिंग में थे, मैंने सामने पे उस मदर को बुलवा करके बात कराई, तब मदर ने कहा सर वो गलती से मैंने झूठ बोल दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको कुछ बातें सच है, मैं आपकी बातों से इग्नोर नहीं कर रहा हूं। बहुत सारी चीजें हैं, समाज एक जैसा नहीं है, स्कूल सारे एक जैसे नहीं है, पेरेंट्स सारे एक जैसे नहीं है, कुछ लोग वाकई इफेक्टेड है, उनका हमें सबको साथ देना चाहिए। लेकिन जो लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं उसकी वजह से कई बार आप समझते हैं कि गेहूं के साथ गूंद भी पिसता है। तो इन सब चीजों को देख करके हमें लगता है कि आप बहुत अच्छे इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। मैं आपके साथ हूं कि अभी स्कूल नहीं खुलने चाहिए जब तक कि तीसरी वेव का क्लियर हमारे पास सोल्यूशन ना आ जाए। बाकी चीजों को सरकार ने देखना है, पेरेंट्स ने देखना है, बच्चों को देखना है।